नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर की नई वैकेंसी के बारे में और इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। तो दोस्तों, ये भर्ती ग्रुप सी की होगी और आप इसके लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, एप्लीकेशन लेटर को डाउनलोड करने के लिए आप ऑनलाइन फोरम को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस भर्ती के बारे में बात करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आगे आने वाली सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आपको ऊपर लिखा मिल जाएगा द राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर न्यू दिल्ली कैंट 110010। और इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको बताया गया है इंडिया के सिटीजन जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे चलकर आपको ये टेबल दी गई है। इस टेबल में आपको नेम ऑफ पोस्ट और आपका पे स्केल, आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। जैसे सिंपली बात करते हैं, पहली पोस्ट जो है कुक की है। यहाँ पर आपका जो पे लेवल होगा वो लेवल 2 का होगा। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको 10वीं पास होना चाहिए और जो ट्रेड है यानी कि कुक का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो जर्नल की 7 वैकेंसी निकली हुई है, एससी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 1, ईएसएम की 1। यहाँ पर टोटल 11 वैकेंसी निकली हुई है। इसी तरह से आप आगे चलकर बूट मेकर, कारपेंटर, वाशरमैन, बारबर, सफाई वाला, इन सभी भर्तियों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब इसके बाद अगर एज लिमिट्स की बात करते हैं तो आपकी जो एज है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी उम्र 18 से लेकर 25 के बीच में होनी चाहिए। और अगर ओबीसी से हैं तो आपकी मैक्सिमम उम्र 28 साल होगी। और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपकी मैक्सिमम उम्र 30 साल होगी। और इसके बाद आगे चलकर पॉइंट 4 में आपको बताया गया है कि आपका जो एनवेलप होगा उसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा सेल्फ एड्रेस लिखा हुआ एनवेलप डालना होगा, जिसके ऊपर आपकी ₹5 की स्टंप लगी होगी। और दोस्तों, आपका जो एनवेलप होगा उसके बाहर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिख के जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम और साथ में अपनी कैटेगरी का नाम लिखना होगा। अगर लास्ट डेट की बात करते हैं तो आपकी जो लास्ट डेट होगी वो 13 अगस्त होगी। और दोस्तों, इसके बाद जो पॉइंट 7 है, इसमें आपको बताया गया है कि आपके जितने डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स हैं गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होने चाहिए। और इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया, आपके पास एक बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मार्कशीट। और दोस्तों, अगर आप एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी भरते हैं तो आपके पास हैंडीकैप का यानी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों, आगे चलकर नोट में आपको बताया गया है कि आपका जो एप्लीकेशन लेटर है उसके साथ कोई भी ओरिजिनल या फिर फोटोकॉपी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करने की जरूरत नहीं है, ये आपको इंटरव्यू के दौरान मंगवाए जाएंगे। और जो पॉइंट 8 है, इसमें आपको बताया गया है कि आपके इनकम्प्लीट या फिर एलिजिबल जो लेटर्स होंगे या फिर जिनमें डॉक्यूमेंट्स की कमी होगी उन लेटर्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों, आपका जो शॉर्टलिस्ट होगा वो आपकी एजुकेशन के परसेंटेज के बेस पर ही होगा। और इसके बाद आगे चलकर पॉइंट 11 में आपको बताया गया है कि डिपार्टमेंट जो है वैकेंसीज को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। और दोस्तों, अगर हम रिटर्न टेस्ट की बात करते हैं तो 150 मार्क्स का जो है आपका रिटर्न टेस्ट होगा। और आपको आने जाने के लिए कोई BTA या DA नहीं दिया जाएगा डिपार्टमेंट की ओर से। और इसके बाद आगे चलकर आपको बताया गया है कि आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो होगी वो आपके आइडेंटिटी कार्ड पर लिखी जाएगी। और दोस्तों, आप हमसे सोशल मीडिया पर एज स्पेशल मेंबर जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब इसके बाद आगे चलकर आपको कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में आपको कुछ जानकारी दी गई है। अगर आप जीरो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इन्हें पढ़ सकते हैं और इस एप्लीकेशन को भी फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस भर्ती का फॉर्म जो है वो कैसे फिल करना है, उसकी पूरी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी इस भर्ती की। अगर आप एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल सके। जय हिंद, जय भारत।